सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फाइनली सैमसंग ने अपने कुछ और डिवाइसेस के लिए जो वन यूआई 4.1 का अपडेट है वो रोल आउट कर दिया है। सैमसंग लगातार जो वन यूआई 4.1 का अपडेट है वो रोल आउट कर रहा है और फाइनली कुछ और डिवाइसेस के लिए अपडेट जो है वो रोल आउट कर दिया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 85 लाइक, 85 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं टेक दोस्त पीयूष। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो सैमसंग ने S21 सीरीज, उसके बाद सैमसंग के फोल्डेबल डिवाइसेस, उसके बाद सैमसंग S20 सीरीज, नोट 20 सीरीज, इन डिवाइसेस में ऑलरेडी जो UI 4.1 का अपडेट है वो रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद सैमसंग ने अब फाइनली S10 सीरीज और नोट 10 सीरीज में जो UI 4.1 का अपडेट है वो रोल आउट कर दिया है। S10 सीरीज में सैमसंग S10, S10 प्लस, S10 ई, नोट 10 सीरीज में नोट 10, नोट 10 प्लस, इन डिवाइसेस में हमें अपडेट मिलना शुरू हो चुका है। हालांकि ये जो अपडेट है अभी आउट ऑफ इंडिया रोल आउट किया गया है, इंडिया में बहुत ही जल्द आने वाला है। तो गुड न्यूज है सैमसंग यूजर्स के लिए कि सैमसंग ने फाइनली S10 सीरीज और नोट 10 सीरीज में भी जो अपडेट है वो रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। और अब तो सैमसंग एंड्रॉयड 12 का भी अपडेट UI 4.1 के साथ ही दे रहा है। सैमसंग ने रिसेंटली M52 5G के लिए जो एंड्रॉयड 12 का अपडेट है वो रोल आउट किया है और उसमें हमें UI 4.1 देखने को मिला है। तो अब तो सैमसंग लेटेस्ट UI के साथ अपडेट दे रहा है। इसके अलावा और भी डिवाइसेस अभी हैं, जैसे A52 है, A52S है, A72 है, इन डिवाइसेस में भी अपडेट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो देखते हैं सैमसंग फ्यूचर में क्या करता है। और भी अगर कोई न्यूज आती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।